हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एयर कंप्रेसर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या हुआ कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं ना, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है, तो उसके द्वारा कितना वर्क डन होता है या फिर उसको चलाने में आपको कितना वर्क डन देना पड़ता है बाहर से, वो ही समझिए, दोनों बात एक ही हुआ। तो कितना वर्क डन होता है, ठीक है, कंप्रेशन में कितना वर्क खर्च होता है, मतलब मान लीजिए आप दाब P1 से P2 जब बढ़ा रहे हैं तो कितना वर्क खर्च होगा, आपको कितना मोटर से या इंजन से आपको कितना वर्क देना पड़ेगा दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये हम निकाले जा रहे हैं। समझ गए बात, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो एयर है उसका दाब P1 से P2 बढ़ा रहे हैं, तो P1 से P2 बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं बाहर से दे रहे हैं, चाहे आप इंजन के थ्रू दे रहे हैं चाहे आप मोटर के थ्रू दे रहे हैं, वो कितना लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना वर्क डन हो रहा है। तो आपको पता रहेगा कितने हार्स पावर का आप मोटर लगाएंगे, कितने किलोवाट का आप कह दीजिए मोटर लगाएंगे, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए होता क्या है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियरेंस वॉल्यूम जो हो गया, ठीक है, जिसको अंतरावकाश बोलते हैं, आयतन, अंतरावकाश आयतन जो है हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये तो हमारे पास सिलेंडर, और सिलेंडर में मान लीजिए पिस्टन शुरुआत में एकदम यहां पर है, बिल्कुल यहां पर, मीन्स एक्चुअल में पिस्टन यहाँ पर नहीं रहेगा, एक्चुअल में पिस्टन कहीं यहाँ पर चाहे यहाँ पर होगा, तो इससे क्या होगा, कुछ जो है आयतन छूटा रहेगा, तो कुछ आयतन छूटा रहता है सिलेंडर वाल और पिस्टन के बीच में, या सिलेंडर हेड बोलते हैं इसको, सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच कुछ अगर आयतन छूटा रहता है तो उसी को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। और हमने यहाँ पर क्या माना है, कोई आयतन छूटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये है आपका पिस्टन और यहाँ पर आपका ODC है, आउटर डेड सेंटर है। ओडीसी कहने का मतलब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अगर पीवी ग्राफ इसी को लेकर के बनाए हम, तो पीवी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल इसी पर रहेगा, तो इस पर हमारा वी माना हमने, इस पर हमने अपना वी माना है आयतन, इस पर हमने पी माना है प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो रहा है शुरू में, क्या हो रहा है शुरू में, स्टेट जीरो पर हमारा ये है, स्टेट जीरो ये है कि मतलब कोई मतलब एकदम यहां पे है पिस्टन, तो आयतन इसमें क्या हो गया, बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्या होता है, आपका स्थिर दाब पर क्या होता था, जब ये पिस्टन इधर से इधर की ओर मूव करता था, याद है ना, कनेक्टिंग रॉड लगा होता था, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो कहेंगे इतना बड़ा ये क्या लगा दी। एक्चुअली में क्या होता था, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड होता था, फिर जो है आपका क्रैंक वगैरह होता था, तो उसको भी मतलब यहाँ पे दिखाया गया एक तरह से। तो क्या होता था, पहला प्रोसेस जो सक्शन स्ट्रोक होता था, वो क्या होता था, यहां से शुरू होता था और स्थिर दाब पर क्या होता था, ये इधर जाता था और इसमें क्या होता था, एयर सक होता था, ये सब बता चुके हैं। तो 0 से 1 हमारा क्या हो रहा है, यानी या मान लीजिए यहां से ये वायुमंडलीय दाब है, तो स्थिर दाब पर, क्योंकि स्थिर दाब का मतलब क्या होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए, यहां से यहां तक एयर सक होता है, तो ये मान लीजिए हमारा 0 है और यह क्या है, 1 है, तो 0 से 1 तक हमारा स्थिर दाब पर क्या हो गया, इतना हवा
शक होगा, मतलब इतना आयतन जो हो गया यहां से यहां तक, यानी वी वन आयतन क्या हो गया हमारा, मान लीजिए वी वन है, वी वन आयतन क्या हो गया, शक होगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब इसका क्या होता है, कंप्रेशन होता है दाब P2 तक। तो मान लीजिए यही दाब P2 है, ये हमारा दाब P1 है, और ये नॉर्मली वायुमंडलीय दाब होता है। तो अभी वायुमंडलीय दाब न मान के मानते हैं कोई जनरल दाब P1 है, इस पर यानी इस बिंदु पर दाब क्या है, P1 है, और इस बिंदु पर दाब हमारा P2 है। ठीक है, तो यहां तक होता है, तो क्या जिसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक, और इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। में रिटर्न स्ट्रोक में क्या हो रहा है, हमारा कंप्रेशन भी होता था और आपका डिलीवरी भी होता था। तो पूरे प्रोसेस में कंप्रेशन नहीं होता था, एकदम यहाँ पे ले जाके कुछ तक कंप्रेशन होता था। अब देखिए ये कंप्रेशन कई प्रोसेसेस के माध्यम से हो सकता है, तो इस कंप्रेशन को करने के कितने प्रोसेस हो सकते हैं, तीन। क्या हो सकते हैं, तीन। ठीक है, अब उन तीनों को हमने यहाँ पे बना दिया, और ये बिल्कुल किस पर, किस प्रोसेस पर, कहाँ किस दाब तक करेंगे कंप्रेशन, तो दाब P2 तक करेंगे। तो यहाँ पे जो दाब आपका है वो P2 है हर प्रोसेस में। तो अब देखिए कह रहे हैं, ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कंप्रेशन करने का मतलब दाब P1 से P2 बढ़ाने का, इस जो सिलेंडर में गैस होगा उसके कितने प्रोसेसेस हो सकते हैं, तीन प्रोसेसेस। जो पहला होता है जिसमें सबसे कम काम खर्च होता है, क्योंकि देखिए अगर हम इससे नीचे पीवी डायग्राम के नीचे जो है एरिया देखें तो ग्राफ का, तो इस ग्राफ से एरिया कम बनेगा, इससे उससे ज्यादा बनेगा, इससे उससे ज्यादा बनेगा। तो क्या होता है कि ये ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम देना पड़ेगा, इसमें उससे कम काम देना पड़ेगा, और इसमें सबसे कम काम देना पड़ेगा। ठीक है, अब इन प्रोसेसों को समझ लेते हैं, ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं PV के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो n इज इक्वल टू जब 1 होता है तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, n इज इक्वल टू जब 1.4 होता है तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी कहते हैं, मेनली तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, और n इज इक्वल टू जब 1 और इसके बीच 1.4 के बीच होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, पॉलीट्रॉपिक। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिएगा ध्यान से, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये आइसोथर्मल है क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है, इसका स्लोप सबसे कम है, जिसका मतलब n कम होता उसका मतलब जिसका स्लोप कम होता उसका n भी कम होता। तो ये वाला आइसोथर्मल है, ये वाला कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक है जो 1.4 और 1 के बीच होगा, और ये वाला हमारा क्या है, एडियाबेटिक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, और देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे हो गया मान लीजिए 2', इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 2", या फिर इसको 2' मान लीजिए, इसको 2" मान लीजिए, जैसे भी आपको सहूलियत लगे वैसे आप मान सकते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में जो माना गया उसके अनुसार देखा जाए तो हम उसी के अनुसार मान लेते हैं। हाँ, तो ये जो है इसी के अनुसार है। ठीक है, 2' और 2" ये उल्टा है, हमने ऐसे माना यहाँ पे 2". ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये वाला है टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, अगर लिखें यहाँ तो यहाँ लिखेंगे पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये हमारा कौन सा वाला है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये हमारा क्या होता है, पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा क्या हो गया 1.4 में, अगर एयर होगा तो 1.4 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन सब में तीनों में प्रैक्टिकली अचीवेबल कौन है, तो प्रैक्टिकली अचीवेबल न तो आइसोथर्मल है न तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक और ये दोनों प्रैक्टिकली नहीं है, तो पॉलीट्रॉपिक मेनली आप यही अचीव कर पाते हैं प्रैक्टिकली, वो भी एग्जैक्टली इस तरह से नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि ये अचीव कर पाते हैं, तो इसीलिए ये वाला वर्क डन ही ज्यादा अप्लीकेबल होता है पॉलीट्रॉपिक। लेकिन हम निकालेंगे कि तीनों, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, तीनों प्रोसेस में 1 से 2 में
कितना वर्क डन हो रहा है, क्योंकि कंप्रेशन इसी में हो रहा है तो इसी में वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, बाकी सब में कोई में वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वन से टू डैश, टू डबल डैश निकालेंगे यानी टी जब कॉन्स्टेंट रहेगा, वन से टू निकालेंगे जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन बोलते हैं, और वन से टू डैश निकालेंगे जब क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो एक एक करके सबका जो है क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका टीएस डायग्राम भी बना देते हैं। इसका जब अगर तीनों का टीएस डायग्राम बनाते हैं तो टीएस डायग्राम में बस ये देते हैं, देखिए टीएस डायग्राम में ऐसे दो लाइन खींचते हैं और इन लाइंस को बोलते हैं हम लोग पी वन और पी टू, जहाँ पे पी टू ज़्यादा है पी वन से, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, मतलब इस पूरे लाइन पर पी टू का मान एक समान रहेगा, इस पूरे लाइन पर पी वन का मान एक समान रहेगा। यहाँ से हम लोग प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है, मतलब स्टेट वन, ये वन स्टेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिखाते हैं अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर वाला रहेगा वन टू डैश वाला, तो ये कैसा होगा, एकदम हॉरिजेंटल लाइन ऐसे होगा। तो यहाँ पे हो गया टू डबल डैश वाला, तो ये हो गया टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात करें तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में हम क्या जानते हैं, एस कांस्टेंट रहता है, हम लोग क्या जानते हैं, पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। एस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। तो ये हो गया हमारा पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला हो गया पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वन से कौन सा वाला है, टू डैश वाला है, लेकिन जो एक्चुअली में हमको मिलता है ये मिलता है वन से टू वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पी वी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का अब हम वर्क डन निकालते हैं, मतलब तीनों प्रोसेसेज में कितना कितना वर्क डन होता है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसको आपको नोट कर लेना होगा, मतलब ऐसे फिगर बना के फिर लिख देना होगा, जो भी अभी तक हमने बताया उसी को भाषा में लिखना है, और फिर पहला हेडिंग उसमें देना है, फिर पहला हमको शुरुआत करना है, अब प्रोसेसेज को भी लिख देना, वन से टू डबल डैश क्या हो रहा है, कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, वन से टू क्या हो रहा है, आपका पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है, और वन से टू डैश क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है या एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक प्रोसेस में हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले आइसोथर्मल वाला निकालते हैं। तो देखो ये तीनों प्रोसेसेज हो सकते हैं, आप तीनों प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें सबसे मिनिमम वर्क डन किस में खर्च होगा, आइसोथर्मल के केस में होगा, लेकिन वो अचीव करना आसान नहीं है। अब मैक्सिमम किस में होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, तो हम ये करते हैं, एक एक करके निकालते हैं इनमें जो खर्च होगा वर्क वो कितना कितना होगा। तो पहले हम निकालते हैं वन से टू के लिए, वन से टू डैश के लिए, तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि समतापी जब संपीड़न हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या है, समतापी संपीड़न, तो जब समतापी संपीड़न हो रहा है तो उस दौरान जो कितना वर्क डन होगा, अगर वो उस तरह से संपीड़न होता तो हमारे पास क्या है, वर्क डन का वही फार्मूला आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, या जो ग्राफ बनाए थे उसके नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके नीचे का आप तो याद चाहे तो आप एरिया निकालिए या फिर वर्क डन का फार्मूला लगाइए। तो वर्क डन का देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो हमने बताया था पी डी वी होता है, ठीक है, या फिर आप कहिए मेनली तो पी डी वी और वी डी पी दोनों होते हैं, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए आप
वीडीपी और पीडीबी दोनों प्रोसेस दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। एक्चुअली देखो होता क्या है, टोटल डिफरेंशियल होता है डीपीवी। एक्चुअली में टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, डीपीवी, वर्क डन ये ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां पे तुम क्या करते हो, जब अलग अलग डिफरेंशिएट करते हो तो जैसे पी को कांस्टेंट लिया तो पीडीवी हो गया और प्लस वी डीपी हो गया, ठीक है। तो मेनली हम क्या मानते हैं कि कंप्रेसर्स के केस में, क्योंकि वो क्या कैसा चीज है, वो कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम माना जाता है, क्योंकि ओपन ओपन सिस्टम होता है ना, कंप्रेसर होगा तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि हम मानते हैं कि हमारा आयतन में चेंज क्या है, जीरो है, डीबी क्या है, जीरो है, आप कह सकते हैं मतलब। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हैं, वीडीपी। हालांकि इसी इससे भी लगाओगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वीडीपी जो है हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कंप्रेसर के लिए वर्क डन के लिए, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और सारा का सारा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप पीडीबी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर जब आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वन टू टू डबल डैश था, वर्क डन होगा, वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू वन से टू डबल डैश, ठीक है। अब टू डबल डैश पर हम मान रहे हैं कि प्रेशर हमारा P2 है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पर टू डबल डैश पर भी P2 था, टू पर भी P2 था, टू डैश पर भी P2 ही था, और भी dP वन से टू डबल डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो V को देखिए, अब आइसोथर्मल के लिए चूंकि हम जानते हैं फॉर आइसोथर्मल पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, वी को सी पी के टर्म में लिख सकते हैं, सी बाई पी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन टू टू या वन टू टू डबल डैश, ठीक है। इंटीग्रेट करते हुए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बता चुके हैं। तो यहां पे v का वैल्यू रखो c बाई पी डी पी और इंटीग्रेट करना वन से टू डबल डैश। तो यहां पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं, यहां पे जब समाकलित करते हैं तो क्या मिलता है भाई, c है तो c बाहर आ गया और ये क्या हो गया, वन बाई पी डी पी डी पी बाई पी वन टू टू डबल डैश। तो ये क्या हो जाएगा, सी एल एन, एल एन होगा ना, क्योंकि वन बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, एल एन हो गया वही एल एन पी टू अपन पी वन। क्योंकि देखो होता क्या, ये सब जान चुके हो, इसको फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। वन बाई टी डी टी होता था तो एल एन इतना ही करते थे, जितना ऊपर था नीचे था, पी टू बाई पी वन है, पी टू बाई पी वन कर लिया। सी सी का वैल्यू क्या है, यहीं से आप कह सकते हैं कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू भी हो सकता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि क्या कर सकते हैं, सी वन सी के जगह पर क्या लग सकते हैं, पी वन वी वन एल एन पी टू बाई पी वन। और यही पी टू बाई पी वन हम क्या करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पी टू बाई पी वन। मान लेते हैं एक पी टू बाई पी वन होता है, एक रेशियो होता है जिसको हम लोग आर पी बोलते हैं, प्रेशर रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्यों, क्योंकि भाई प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, उसी किस रेशियो में आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वही है प्रेशर रेशियो। तो यहां से W1 to 2 जो हो जाता है फाइनली आइसोथर्मल के केस में, W1 to 2 डैश क्या हो गया, P1 V1 ln R P, ठीक है, जहां पे RP क्या है, प्रेशर रेशियो। या फिर P1 V1 के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, एम आर टी भी तो रख सकते हैं यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू सी होता ही क्या है, एम आर टी ही तो होता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस वो हमारा क्या है, एयर है, और एयर को आप आइडियल गैस की तरह मान सकते हैं, ठीक है, तभी तो ये लग रहा है, ये फार्मूला भी लग रहा है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम आर टी भी लिख सकते हैं एल एन आर पी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क डन किसके लिए, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में, ठीक है। अब निकालते हैं, तो ये फार्मूला होगा याद रखना, वही है जो वर्क डन तुम निकालते थे उसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन पहले निकालते थे उसी के बराबर है, कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना।
बस यही है, पी टू पी वन के टर्म में लिखेंगे ताकि जो है हमको क्लियर है। अब पॉलीट्रॉपिक वाला निकालते हैं या एडियाबेटिक वाला, जो भी लगे वो निकाल देंगे। तो वर्क डन ड्यूरिंग, चलिए पॉलीट्रॉपिक निकालते हैं। तो वही फिर से लगाना है, बस क्या कर देना है, चेंज बस एक लाना है। वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, ठीक है। देखिए एक काम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा कि ये जीरो है, वन है, ठीक है, ये टू डबल डैश है, टू है और टू डैश है, ये हमारा मान लीजिए थ्री है, फाइनली थ्री पर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे एरिया से भी निकाल सकते हैं, तो ट्राई करिए निकालने के लिए कि वही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये है पी और यह वी। तो पीवी के नीचे ग्राफ का जो एरिया होता है, पीवी ग्राफ में जो नीचे के लिए जो कर्व से घिरा हुआ एरिया होता है, वही हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर वीडीपी लिख रहे हैं तो ये वाला एरिया निकालेंगे, कौन सा वाला, ये वाला एरिया नहीं, देखो ध्यान से वही चीज, वीडीपी कौन सा वाला एरिया निकाल रहा है, ये वाला, कौन सा वाला एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला, इसीलिए हम लोग वीडीपी फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया निकालने का ट्राई करना, यहां से जो ये वाला एरिया, क्योंकि ये सबसे कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये उससे भी ज्यादा होगा, तो ये एरिया निकालने का ट्राई करना, क्योंकि पी डीपी जब करते हैं तो पी मतलब कॉन्स्टेंट मानिए, वीडीपी में मतलब वी आपको जैसे एक लाइन यहाँ पे कॉन्स्टेंट मानना, वीडीपी, ठीक है। तो ये आप एरिया मतलब तीन दो डैश मतलब जीरो एक दो सॉरी टू डबल डैश और थ्री, इसको निकालिए, इस एरिया को ना ग्राफ से ट्राई करिए निकालने का, जो अभी जो कर रहे हैं वही है, ठीक है ना, उसको ट्राई करिएगा एक बार निकालने का, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, उसको करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा, नहीं तो किसी बुक में जरूर दिया होगा, वहां पे देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद पॉलीट्रॉपिक वाला, तो पॉलीट्रॉपिक के लिए वही है, वीडीपी वन से टू है। अब यहां पे क्या होता है, पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इतना ये बहुत कर चुके हो, तो हम डायरेक्टली बहुत जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये बहुत कर चुके हो, तो v के जगह पर हो जाएगा c बाई पी, तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू सी के पावर n वन बाई एन और p के पावर वन बाई एन, तो यहाँ से हो जाएगा w वन टू टू आपका हो जाएगा वन टू टू c के पावर 1 बाई एन अपान p के पावर 1 बाई एन और dp, ये p ऊपर जाएगा, ये c के पावर 1 बाई एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से p के पावर माइनस 1 बाई एन dp हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा हमारा c के पावर 1 बाई एन, ये होगा p के पावर माइनस 1 बाई एन प्लस 1 अपान माइनस 1 बाई एन प्लस 1 और लिमिट हो जाएगा P1 से P2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा C के पावर 1 बाई एन P2 के पावर 2 के पावर हो जाएगा N माइनस 1 कर लीजिए आप, N माइनस 1 अपान N फिर अपान एन माइनस वन अपान एन एक पर होगा, फिर माइनस पी वन पर भी वही होगा, कहने का मतलब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं,
एन माइनस वन अपान एन, पी टू की पावर इतना होगा माइनस पी वन के पावर हो गया एन माइनस वन अपान एन। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कर देते हैं हम लोग, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब जो है प्रेशर रेशियो के टर्म में तो लिखेंगे ही, लेकिन इसको पहले हम लोग सही करते हैं। सी के पावर वन बाई एन है तो सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी के जगह पर हम लिख सकते हैं पी वन वी वन के पावर एन, ठीक है, और पूरे पर पावर है वन बाई एन, ठीक है, क्योंकि सी के पावर है वन बाई एन, तो पी वन वी वन के पावर एन हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा पी टू के पावर एन माइनस वन अपान एन माइनस पी वन के पावर एन माइनस वन अपान एन, और अपान केयरफुली देखोगे तो सब जो है एक एक स्टेप समझ में आएगा। यहाँ से अगर एन एन हम कैंसिल आउट कराएं तो क्या बच रहा है, पी वन के पावर यहाँ पे वन बाई एन आ जा रहा है, और वी वन और यहाँ पे आ जा रहा है पी टू के पावर एन माइनस वन अपान एन माइनस पी वन के पावर एन माइनस वन अपान एन अपान एन माइनस वन अपान एन, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे, गुणा करा देते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। सीधे सीधे जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते एक बार, ये सही है ना, करेक्ट है ना, देखना वन माइनस एन आया प्लस वन किया तो क्या हो गया वन माइनस, तो ए एन से गुणा कराएंगे तो एन माइनस वन एन अपान एन मतलब एन माइनस वन, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे किस तरह से बढ़ाते हैं देखेंगे हम लोग। तो नीचे वाला जो टर्म है, ठीक है, उसको ऊपर कर लेते हैं, मीन्स इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया W वन टू टू एन अपान एन माइनस वन हुआ, ठीक है। ये जो है क्या किया, n जो है नीचे था उसको ऊपर ला दिया, इसको इधर अलग कर दिया और इसमें गुणा करा लेते हैं। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, इसको C ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ले जाएंगे तो P2 आएगा, उसमें ले जाएंगे तो P1 आएगा, तो इसको इससे अच्छा है C के पावर n ही रहने देते हैं, C के पावर 1 बाई एन ही रहने देते हैं। अभी तक जो भी था C के पावर 1 बाई एन था ना, तो C के पावर 1 बाई एन ही रहने देते हैं। अब जो है करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक एक ले जाके, इसमें से उतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो C जो है हमारा है उसको लिख सकते हैं पी वन वी वन के पावर 1 बाई एन एक हो गया, ठीक है, या फिर यहीं से हम लोग C के पावर 1 बाई एन निकाल लेते तभी ठीक रहता, कि पी वी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, C के पावर 1 बाई एन निकालेंगे तो पी वन के पावर 1 बाई एन और वी वन होगा, है ना। इसको अगर 1 बाई एन करे पावर पर तो क्या होगा, 1 बाई एन यहाँ से एक निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक, और यही पी टू भी, पी टू पर भी होगा, पी टू के पावर 1 बाई एन और वी टू होगा, तो सी के पावर 1 बाई एन वही सेम चीज होगा, तो यहाँ पे वही डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले में कराएंगे पी वन वी वन वाला, तो पी वन के पावर 1 बाई एन वी वन और पी टू है ना पहले, तो पी टू रख देते हैं, पी टू के पावर एन माइनस वन अपान एन, ठीक। अब देखते हैं, और अपान अपान यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे फिर माइनस यहाँ पे वी टू रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं पी वन के पावर एन माइनस वन अपान एन और पी वन के पावर वन अपान एन और वी वन, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखिए पावर दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना, जब दोनों पावर ऐड होंगे क्योंकि आधार समान है तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 1 बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन जब ऐड होगा तो क्या होगा,
वन प्लस एन माइनस वन अपान एन, यानी एक से एक गया और एन बाई एन गया, वो भी क्या हो गया, एक हो गया। यानी कि ये दोनों पावर जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरह से डब्ल्यू वन टू टू क्या हो जाएगा, एन अपान एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है। तो इतना वर्क डन होता है हमारा आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन में, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा भी तरीका है कि हम क्या कर लें, अब इसके आगे बढ़ा देते हैं, और क्योंकि प्रेशर रेशियो में हमको चाहिए, तो प्रेशर रेशियो में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। तो प्रेशर रेशियो में अगर हम लिखना चाहें इसको, ये तो हो गया, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको क्या चाहिए कि प्रेशर रेशियो भी चाहिए इसमें। वो प्रेशर रेशियो के टर्म में अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, P1 V1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। W1 to 2 n अपान n माइनस वन P1 V1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से P1 V1 कॉमन लिया, तो P2 V2 अपान P1 V1 हो गया, माइनस वन हो गया, क्योंकि यहाँ पर था नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो पॉलीट्रोपिक एक्सप्रेशन है उसे जो है इसका जो है रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। P1 V1, अब P1 अपान V1 और P2 अपान V2, और उसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो याद करिए यही है, P1 V1 के पावर n इज इक्वल टू P2 V2 के पावर n। यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं, मीन्स V2 V1 निकालना चाहते हैं, तभी तो P1 P2 में आएगा। तो यहाँ से अगर V2 V1 निकालना चाहते हैं, तो V2 अपान V1 के पावर n जो होगा, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 अपन P2 के पावर, सॉरी P1 अपन P2 के होल होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा ऐसे, क्योंकि V2 अपन V1 हो गया P1 अपन P2, और इसके पावर n है, तो V2 अपन V1 जो होगा केवल वो होगा P1 अपन P2 के पावर 1 बाई n, ठीक है। तो अगर इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, या फिर क्या करना है हमको, गुड़ा ही तो करवाना है P2 अपान P1 का। अगर गुड़ा करवा दें यहाँ पे इसी का, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स होने का मतलब क्या हो जा रहा है, कि नीचे P1 आ जा रहा है, ऊपर P2 आ जा रहा है। तो वन माइनस वन अपान एन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपान एन हो जाएगा, है ना। एक मतलब ये नीचे एक है और 1 बाई एन को नीचे ले आते हैं, तो 1 माइनस वन बाई एन हो जाएगा। तो इसी तरह से P2 वाला भी हो जाएगा, तो P2 अपान P1 जो हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी, n माइनस एन, एन माइनस वन अपान एन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा n अपान एन माइनस वन पी वन वी वन, ठीक है, और P2 बाई P1 के पावर n माइनस वन अपान n माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर पी, यानी कंप्रेशन रेशियो के पावर n माइनस वन अपान n माइनस वन। ये होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, वर्क डन निकाल लेना, ये भी एक फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। ये फार्मूला किस लिए बना है, कि अगर आप n बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या या फिर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो क्या वर्क डन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, और n पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पॉलीट्रॉपिक, और उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, जब n बराबर वन होगा तो ये हो गया जीरो, किसी भी नंबर के पावर जीरो वन होता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट भी तो हो जा रहा है, एन इज इक्वल टू वन, वो उसी तरह से आएगा जो अभी हम लोग किए हैं। यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये वाला ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा बताइए, सोचिए ध्यान से, एक से ज़्यादा ही होगा। मीन्स आप जब कंपेरिजन करेंगे आइसोथर्मल से और इससे,
वो तो ग्राफ से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्राफ से भी देख रहे हैं तो वही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ग्राफ से ही आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा वर्क डन इसके लिए। अब एडियाबेटिक के लिए हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोगों को करना है क्योंकि आप लोग कर चुके हैं और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग और कर भी चुके हैं इस पर एडियाबेटिक का मतलब, अगर मान लो तुमको डेरिवेशन करना हो तो कैसे करोगे, वर्क डन का करवा चुके हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा परेशान न होते हुए एक बार हिंट दे देते हैं और उसको आप लोग करेंगे। ये पॉलीट्रॉपिक के जगह पर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या आएगा, बस गामा का फर्क रहेगा, एन और एन, यहाँ एन है वहाँ पे गामा रहेगा, क्योंकि होता क्या पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंस क्या आया, बस एन के जगह पर हर जगह का क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों प्रोसेसेस में, मीन्स जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है किसी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, और जब पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होता है, और जब कौन सा एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, तो कितना वर्क डन हुआ, यानी कितना वर्क खर्च हुआ है, कितना टोटल काम हुआ है, ठीक है, वो हम लोग निकाल पा रहे हैं। और चाहे तो आप ग्राफ से भी जैसे बताएं वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। इसका देखिए एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऐसे डेरिवेशन ही पूछेगा कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए वर्क डन कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग खुद करेंगे, जो नोट्स का सहारा ले लेंगे दिक्कत होगा तो, अदरवाइज आप लोग पीछे बहुत पढ़ चुके हैं। और करना ही क्या है, गामा के जगह पर सॉरी एन के जगह जो पीछे चल रहा था उसकी जगह बस गामा कर देना, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें चल रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ और नहीं है, बस अप्लीकेशन है। जो वही फर्स्ट फोर्थ चैप्टर जो आप लोग अच्छे से पढ़े हैं जो लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं आगे आएगा पूरे थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। बस एक एक क्या करना है, बस एक एक चीज़ों के नाम जानने होंगे यहाँ पे। अब जो है जो भी आप पढ़ रहे होंगे बस कुछ चीज़ें आप नाम जान रहे होंगे अलग अलग चीज़ें, बाकी वर्किंग जैसे ही आपको बताया जाएगा आप समझ जाएंगे कि कैसे जो है वही पूरा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।